हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एचटीएमएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो एचटीएमएल की, आइए देखते हैं एचटीएमएल में क्या है। यहां से सबसे पहले नोटपैड को ओपन करूंगा। आज हम लोग देखेंगे मार्क्यू बिहेवियर के ऊपर, यानी मार्क्यू के डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके ऊपर हम प्रोग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, एचटीएमएल से स्टार्ट करना है और यहाँ पर लिख देना है हेड। ठीक है, ये हेड लिखा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, टाइटल आएगा। तो इस तरीके से टाइटल आप भी लिख दीजिएगा, ठीक है, TITLE। ठीक है, ये हो गया टाइटल। और यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दीजिएगा, ऐसे क्लोज करिएगा। और यहाँ पे क्या दे दीजिएगा, मार्क्यू एट्रीब्यूट्स इस तरीके से आपको दे देना है। और यहाँ पे टाइटल टैग को क्लोज भी कर देना है। तो यहाँ से TITLE टाइटल टैग को क्लोज कीजिए। और यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पे हेड टैग को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे जल्दी से हेड टैग को क्लोज कर देता हूँ और फिर यहाँ पे लगा लेता हूँ बॉडी टैग। तो बॉडी टैग ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर क्या देना है आपको, मार्क्यू। अब यहाँ पर मार्क्यू के डिफरेंट हम लोग एट्रीब्यूट्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले करता हूँ बिहेवियर। ठीक है, तो ये हो गया मार्क्यू बिहेवियर इज इक्वल टू स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल SCROLL। ठीक है, ये हो गया स्क्रॉल। और यहाँ पे डायरेक्शन करते हैं, डायरेक्शन इज इक्वल टू अप कर देते हैं। और यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट देंगे, तो ये हो गया स्क्रॉल अमाउंट AMOUNT। स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू यहाँ पे करते हैं 5 कर दिया, देखिएगा यहाँ पे 5 किया है। फिर इसको क्लोज करते हैं और वी आर इंडियंस कर देते हैं। और यहाँ से मार्क्यू को क्लोज कर देते हैं, MARQUE। मार्क्यू को क्लोज किया और यहाँ से क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे, देन पेस्ट करेंगे सर नीचे, ताकि हम और भी इसमें लेके आ सकें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर ये 1 करूँगा मैं, वहाँ पर ऊपर 5 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, एंटर करके नीचे आना है, बॉडी टैग को क्लोज करना है, देन HTML को भी क्लोज कर देना है। एक बार देखते हैं चला करके कि इसका क्या बेनिफिट हुआ ये कोड लिखने का। ठीक है, इसको सेव कर देना है Ctrl+S करके। और यहाँ से जाके डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे जा करके इसको हम सेव करेंगे, किसी भी नाम से सेव करेंगे। यहाँ पे MAQ.STM के नाम से सेव करते हैं, .STML या .STM लगा करके ही सेव कीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सेव हो गया, अब इसको चलाना है। तो यहाँ पर ये आया हुआ है, अब इसको डबल क्लिक करते हैं, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं VR Indians। तो यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों की स्पीड, देखिए एक की स्पीड बहुत तेज है और एक की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं एक काम करूँगा, यहाँ से जो लिखा है हमने डायरेक्शन अप, इसको मैं क्या करता हूँ, एक को राइट कर देता हूँ, एक को लेफ्ट कर देता हूँ, तो आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा। तो ये राइट कर दिया और इसको क्या करता हूँ, लेफ्ट कर देता हूँ। तो देखिएगा जरा दोनों में डिफरेंस अब आपको क्लियर होगा। तो ये देखिए, इसको सेव किया और यहाँ से डिफरेंस देखिए दोनों में, यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए, ये राइट से आ रहा है, ये लेफ्ट से। तो जिसका स्क्रॉल अमाउंट 1 दिया है, ये वो बहुत धीरे चल रहा है। लेकिन क्या होगा अगर स्क्रॉल अमाउंट और बढ़ा दें, ये 5 है, तो इसको अगर मैं 15 कर देता हूँ तो ऐसे में क्या होगा। तो यहाँ पे इसको सेव करके देखते हैं, एक बार चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसे चलाता हूँ तो अब देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया है। ठीक है, अगर 15 के बजाय कुछ और कर देते हैं तब क्या होगा। ठीक है, ये भी तो देखिए चलाता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ से जाके और यहाँ पर चेंज करूँगा, ये स्क्रॉल अमाउंट क्या करूँगा 115 कर दूंगा। अब जरा इसको देखते हैं क्या स्पीड, और ये देखिए ये स्पीड बन रही है, देख रहे हैं एकदम बुलेट की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, देखिए बहुत तेज़ी से जा रहा है। ठीक है, तो ये स्क्रॉल अमाउंट का फायदा होता है। ठीक है ना, ओके।